इंडिया के सामने था अब 134 रन का लक्ष्य, लेकिन पेनल्टी रन से कारण वो हो गया था केवल 124 रन का। और एक बार फिर यहाँ हमें नजर आई मिथाली राज ओपनिंग स्लॉट में। जी हाँ, हमने पहले भी बात की थी क्लोजिंग में कि क्यों मिथाली राज, क्यों एक्सपीरियंस इस मैच के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके की पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक है वो थोड़ा स्लोअर साइड पे है। और हमने कल देखा भी कि हमें स्मृति मंदाना, जो कि अच्छे शॉट्स बिग हिट्स के लिए जानी जाती हैं, थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आई, लेकिन वहीं पे पाकिस्तान बॉलिंग का फ़ायदा उठाया मिथाली राज ने। जी हाँ, वो जानी जाती हैं अपने फुटवर्क के लिए, और जिस तरीके का फुटवर्क उन्होंने कल दिखाया वो काबिले तारीफ था। एक अच्छी पार्टनरशिप दिलाई इंडिया को, प्रेशर रिलीज़ किया और लगातार पाकिस्तान के गेंदबाजों पे प्रेशर बनाए रखा। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान बॉलिंग यूनिट की, तो कल थोड़ी हल्की नज़र आई, हालांकि बीच में उन्होंने दबाव बनाया। बिस्मा मरूफ ने अच्छी बॉल डाली, निधा दर ने अच्छी बॉल डाली, लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडियन बैटिंग लाइनअप की, तो पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी हल्की नज़र आई और इंडिया को मिली एक अच्छी जीत।